जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। तंत्र के रहस्यमय ज्ञान की कड़ियों में आज हम एक ज्ञान और लेकर के आए हैं। सभी के काम का है, परंतु जीवन में इसको आप प्रयोग कर ले तो, अन्यथा बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। ये तंत्र है। जब एक मनुष्य बीमार हो जाता है, कोई भी हो सकता है, पुरुष हो सकता है, स्त्री हो सकती है, बच्चा हो सकता है, वृद्ध हो सकता है, जवान हो सकता है, बेटा हो सकती है, बेटी हो सकती है, पत्नी हो सकता है, पति हो सकता है, तो जब मनुष्य बीमार हो जाता है, उसकी खाने पीने की आदतें एक अजीब किस्म की हो जाती हैं, उसका बात करने का लहजा तरीका बदल जाता हो, उसका सोने उठने बैठने का तरीका बदल जाता हो, उसका खान पान रहन सहन बदल जाता हो, तो समझ जाना चाहिए कोई न कोई ऊपरी बाधा उसके ऊपर लग गई है और वो बीमार हो जाता है। किसी भी तरह की बीमारी लग सकती है, मैंने आंख की, नाक की, कान की, मुंह की, गले की, यूरिन से संबंधित, पीठ से संबंधित, नसों से संबंधित, दर्द से संबंधित, कमर से संबंधित, और ज्यादातर सिर दर्द की बीमारी जो है ये ऊपरी बाधा की वजह से ही होती है। तो रहस्यमय ज्ञान ये है कि जो भी व्यक्ति जिसके ऊपर भी ऊपरी बाधा लग गई हो, या जो व्यक्ति बीमार रहने लगा हो, जिस व्यक्ति की हरकतें बदल गई हो, जिस व्यक्ति का रहन सहन बदल गया हो, जिस व्यक्ति का जो साधारण मनुष्य नहीं हो, उसके साथ में भोजन नहीं करना चाहिए। यानी किसी व्यक्ति को ऊपरी बाधा लग गई हो, प्रेत बाधा लग गई हो, तो उसके साथ भोजन नहीं करना चाहिए, उसका झूठा भोजन भी नहीं खाना चाहिए, उसका झूठा पानी भी नहीं पीना चाहिए, अन्यथा उसकी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपकी सकारात्मक ऊर्जा को दबा देगा और आप भी वैसे ही हरकतें करने लग जाओगे। मतलब कहने का अर्थ सिंपल सा इतना सा है, तंत्र विद्या में यदि जिसको तंत्र हो गया, जिसके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा लग गई, जिसको भूतों ने, प्रेतों ने, पिशाचों ने, चुड़ैलों, डाकन लोगों ने पकड़ रखा हो, जिसके ऊपर शमशान छोड़ रखा हो, जिसके ऊपर मटकी छोड़ रखी हो, या फिर जिसके ऊपर मियादी छोड़ रखी हो, जिसको खिलाई पिलाई हो गई हो, ऐसे मनुष्य के साथ में एक ही थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसकी नकारात्मक ऊर्जा जो व्यक्ति उसके साथ भोजन करता है उसको भी जकड़ लेती है, यानी फिर वो अपना ग्रुप या बड़ा एरिया बढ़ाता है। जैसे परिवार के अंदर मान ले माँ को लग गई है, तो बेटा या बेटी उसके साथ भोजन करते हैं तो बेटा बेटी को भी वो अपनी गिरफ्त में ले लेगा। यदि पति के साथ भोजन करती हो और स्त्री को लग गई हो, तो पति भी उस गिरफ्त में आ जाता है। जिसको भी लगी हो, जिसके साथ भी भोजन किया जाता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव चालू हो जाता है। इसीलिए एक ही थाली में बैठ करके भोजन नहीं करना चाहिए, और विशेष तौर से झूठा भोजन किसी को नहीं खाना चाहिए। यदि आप इस बात का ध्यान रख लेंगे तो आप भी नकारात्मक ऊर्जा से बच सकते हैं, अन्यथा आपको बचना बड़ा मुश्किल होगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या।